महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के चिकलगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर पंत था और माता का नाम पार्वती बाई था। माता पिता ने उनका नाम केशव रखा था, लेकिन घर के लोग उसे बाल के बुलाते थे। बाल बड़ा होने पर लोकमान्य गंगाधर तिलक नाम से प्रसिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक बचपन में पढ़ने में बहुत तेज थे। अपनी कक्षा में वे हमेशा प्रथम आते थे। वकालत की शिक्षा पूरी करके वे पुणे की पाठशाला में शिक्षक हो गए। उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तिलक भी इसमें शामिल हो गए। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। स्वाधीनता के लिए देश को जागरूक करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। 31 जून 1920 को उनका स्वर्गवास हुआ। जय हिंद जय महाराष्ट्र।